दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर हजारों साल पहले जो जानवर हुआ करते थे वो आज लुप्त हो चुके हैं और ऐसे कई जानवर होंगे जो विलुप्त के कगार पर खड़े हैं। लेकिन वही कुछ ऐसे जानवर हैं जो आज भी इस धरती पर मौजूद है, जिन्हें एनिमल किंगडम का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही खूंखार और जानलेवा जानवर के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कोमोडो ड्रैगन के बारे में। कोमोडो ड्रैगन एक विशाल मॉनिटर छिपकली की प्रजाति है जो इंडोनेशिया के द्वीप रिंका, फ्लोरेस, गिलीमोटांग और गिलीदासनी में पाए जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा प्रजाति इंडोनेशिया के द्वीप में पाई जाती है, इसीलिए उस द्वीप का नाम कोमोडो रखा गया है। कोमोडो ड्रैगन की लंबाई करीब 10 फीट और वजन 100 किलो तक होता है। यह जीव दिखने में जितने खतरनाक लगते हैं, ये असल में उतने ही खूंखार भी होते हैं, क्योंकि वे हर समय जहर से भरा रहता है। इसकी लार में बहुत सारे घातक और विषैले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसकी वजह से उनके लार की एक बूंद ही इंसान को मारने में काफी है। कुछ जानकारों के अनुसार दावा किया गया है कि कोमोडो ड्रैगन के पास एक जहरीला दांत भी होता है और इनके निचले जबड़े में दो जहरीली ग्रंथियां होती है जो इसे ज्यादा विषैली बनाती है। कोमोडो ड्रैगन की सूंघने की क्षमता काफी तेज होती है। यह 5 मील की दूरी से भी अपने शिकार को सूंघ लेती है। कोमोडो ड्रैगन एक ही बैठक में अपने शिकार का करीब 80% हिस्सा खा जाती है। इनके जबड़े इतने बड़े होते हैं कि वो खरगोश जैसे जानवर को भी आसानी से निगल सकती है। कोमोडो ड्रैगन एक मांसाहारी प्राणी है। वो अपने शिकार में हिरण और भैंस जैसे जानवरों को शामिल करती है। वो इंसानों का भी शिकार कर सकती है। जब भी उन्हें शिकार करना हो तब सबसे पहले अपने नाखूनों का ही उपयोग करती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा कोमोडो ड्रैगन नर के बिना ही अपने बच्चों को जन्म दे सकती है, मतलब कि बिना प्रजनन करे अपने शुक्राणु को बदलकर अंडे दे सकती है। कोमोडो ड्रैगन 20 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकते हैं। कोमोडो ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि जिस तरह सांप अपनी कैंचुरी उतारते हैं, ठीक उसी तरह से कोमोडो ड्रैगन भी अपनी त्वचा को समय समय पर उतारते रहते हैं। उसका औसतन जीवन काल 30 साल तक होता है। आइए अब जानते हैं मगरमच्छ के बारे में। मगरमच्छ पृथ्वी का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। मगरमच्छ प्राचीन काल से इस धरती पर मौजूद है। इसकी 13 से भी ज्यादा प्रजाति है। इसकी लंबाई 12 से 15 फीट की होती है और वजन करीब 100 किलो तक होता है। मगरमच्छ एक मांसाहारी प्राणी है। वो पानी में आने वाले सभी जीवों पर हमला करता है। लायन जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकता है। मगरमच्छ की काटने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। उनकी बाइट फोर्स 3750 PSI तक होती है। मगरमच्छ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मगरमच्छ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ और दूसरा मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छ। मगरमच्छ जब भी शिकार करता है तो वो ज्यादातर अपने शिकार को पानी में ही ले जाता है। पानी में उनका शिकार डूबने पर मर जाने से वो आसानी से उसको काट के चीर देता है। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन और मगरमच्छ दोनों ही अपनी अपनी खास विशेषताओं से जाने जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन अपने जहरीले विष के कारण और मगरमच्छ अपने जानलेवा दांतों के कारण जाने जाते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? मेरे विचार से तो मगरमच्छ ही कोमोडो ड्रैगन को अपने दांतों से चीर देगा। आपको क्या लगता है, इन दोनों में कौन ताकतवर है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दूसरे टॉपिक का सुझाव भी हमें दे सकते हैं, उस टॉपिक पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।